The next most important session for you regarding interview process strings. Strings के respect में बात कर रहे हैं, आपने देखा था in case of C और C++, C और C++ में जैसे string को represent किया था using array of characters, लेकिन Java के अंदर strings को कभी भी array के form में या character array के form में implement करना possible नहीं, ना ही Java ने कोई primitive data type provide किया जिसका use करके strings को store कराना possible हो, इसे strings को represent करने के लिए Java ने simply predefined API class provide किया है, called as string class plus a string class available inside java.lang package means string class kis package mein define hai inside java.lang package string kya hai java ke andar array of character of class in java string is a class but simply string ke definition ki baat karen definition kya rahega string ka strings are immutable objects of string class क्लियर इसे पॉइंट आपको जस्ट अभी क्लियर नहीं होगा जस्ट मैं अभी 1 बाय 1 में सारे के सारे पॉइंट आपको डेप्थ में डिस्कस करूंगा डिटेल में डिस्कस करूंगा देन आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज मीन बाय इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट मींस सिंपली अगर डेफिनेशन की बात करें एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है स्ट्रिंग का स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन जावा मींस सिंपली अगर सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में हुआ था इन द फॉर्म ऑफ एरे लेकिन जावा के अंदर स्ट्रिंग एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे रिप्रेजेंट किस फॉर्म में होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट सिंपल डेफिनेशन इन जावा स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट या तो म्यूटेबल प्रॉपर्टी फॉलो करता है या फिर इम्यूटेबल प्रॉपर्टी दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है सपोज दैट अगर आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को या स्टेट को चेंज करना पॉसिबल है देन ऑब्जेक्ट का टाइप क्या रहेगा म्यूटेबल अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट के स्टेट या डेटा मेंबर्स के वैल्यूज को चेंज करना पॉसिबल नहीं है देन करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट का टाइप कंसिडर करोगे एज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मेरे पास कोई पॉइंट क्लास अवेलेबल है जो कि मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था प्लस एज्यूम कर लो पॉइंट क्लास के अंदर टू डेटा मेंबर्स अवेलेबल है समथिंग एक्स और वाई अगर मैं इस पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं लाइक दैट पॉइंट पी इक्वल्स टू न्यू पॉइंट देन एज्यूम कर लो इस पॉइंट क्लास के अंदर टू वेरिएबल्स अवेलेबल है एक्स और वाई तो जब भी इस पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फाइनली मेमोरी के अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एज्यूम करो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या 100 प्लस पी क्या है लोकल वेरिएबल तो पी इटसेल्फ क्रिएट हो जाएगा इनसाइड स्टैक एंड फाइनली इस पर्टिकुलर केस में न्यू कीवर्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो एलोकेशन किसके लिए हो रहा है वेरिएबल एक्स और वाई किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थ्री प्रॉपर्टी एसोसिएट होते हैं मीन्स ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें ऑब्जेक्ट के जनरली कितने प्रॉपर्टी होते हैं थ्री फर्स्ट वन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट सेकेंड वन बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉग के रिस्पेक्ट में बात करूं डॉग इटसेल्फ क्या है ऑब्जेक्ट क्लियर स्टेट की बात करें तो इसकी स्टेट क्या हो सकती है मे बी वॉकिंग मे बी रनिंग और मे बी समथिंग ईटिंग क्लियर मीन्स इस पर्टिकुलर केस में डॉग के रिस्पेक्ट में मीन्स बिहेवियर मीन्स इट्स फंक्शनैलिटीज मीन्स डॉग के थ्रू किस टाइप के फंक्शनैलिटी परफॉर्म होते हैं मे बी रनिंग मे बी जंपिंग और वॉकिंग क्लियर सेम है अगर स्टेट की बात करें स्टेट मीन्स प्रॉपर्टी और वैल्यूज मीन्स लाइक अ कलर ऑफ द डॉग लाइक अ कैटेगरी ऑफ द डॉग लाइक दैट क्लियर सेम है नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें पॉइंट क्लास के रिस्पेक्ट में बात करें एक्स में मैंने असाइन किया समथिंग 10 वाई में असाइन किया जाए 20 फाइनली इस पर्टिकुलर केस में इस ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या 10 और 20 स्टेट मीन्स वैल्यू विच इज स्टोर्ड इनसाइड ऑब्जेक्ट और इन्फॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इनसाइड ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में स्टेट क्या 10 एंड 20 प्लस इस ऑब्जेक्ट को यूनिकली किसके बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे एड्रेस एड्रेस मीन्स आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्टेट मीन्स इन्फॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन साइड ऑब्जेक्ट सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपके लिए म्यूटेबल और इम्यूटेबल प्रॉपर्टी क्लियरली अंडरस्टैंड करना पॉसिबल हो मीन्स म्यूटेबल मीन्स सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्टेट क्लियर स्टेट मीन्स इन्फॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट
और किसी भी ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के जस्ट बाद अगर ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स का वैल्यू चेंज करना पॉसिबल है, वैल्यू मॉडिफाई करना पॉसिबल है, देन इस करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट का टाइप कंसीडर करोगे एज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर चेंजेबल। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के जस्ट बाद मैंने असाइन किया पी डॉट एक्स इक्वल्स टू वन। एक्स का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था? 10। न्यू वैल्यू क्या असाइन हुआ है? 1। अगर ये असाइनमेंट वैलिड है और ये चेंजेस वैलिड है, देन ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल ऑब्जेक्ट्स और हुज स्टेट कैन बी चेंज्ड। सेम एज बट सपोज दैट अगर ये असाइनमेंट इनवैलिड है या ऑब्जेक्ट का स्टेट मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है, देन इस केस में ऑब्जेक्ट का टाइप कंसीडर करोगे एज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इन जावा। सिंपली म्यूटेबल और इम्यूटेबल मेन डिफरेंस क्या है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट मॉडिफाई करना पॉसिबल है देन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना पॉसिबल नहीं है देन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट हुज स्टेट कैन बी चेंज्ड नोन एज म्यूटेबल, एन ऑब्जेक्ट हुज स्टेट कैन नॉट बी चेंज्ड कॉल्ड एज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इन जावा। सिमिलरली अगर स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में बात करें तो स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग्स ऑल्सो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट मीन्स एक बार आपने कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, स्ट्रिंग क्या है? क्लास। और किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या रहता है? क्लास। देन रेफरेंस वैल्यू मैंने क्रिएट किया है एस, देन न्यू स्ट्रिंग प्लस इसे क्लास में या इसे स्ट्रिंग में कोई कंटेंट असाइन करा रहा हूँ यूजिंग कंस्ट्रक्टर एज ए बी सी। इस पर्टिकुलर केस में जब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो लेफ्ट हैंड पार्ट से क्रिएट किया रहा रेफरेंस वेरिएबल, तो रेफरेंस एस इटसेल्फ कहाँ क्रिएट होगा? इनसाइड स्टैक एरिया। लेकिन न्यू कीवर्ड से हीप मेमोरी में स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए प्लस इस ऑब्जेक्ट में कंटेंट्स क्या असाइन हो रहे हैं? ए बी सी। प्लस एजुम कर लो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है? 100। फाइनली इस प्लेस पर क्या आएगा? 100। 100 किस में कॉपी होता है? समथिंग एस। इस फाइनली इस ऑब्जेक्ट रेफर कौन कर रहा है? रेफरेंस वेरिएबल एस। करेंटली इस ऑब्जेक्ट के स्टेट की बात करें, उसका स्टेट क्या है? ए बी सी। एक बार आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की स्टेट को कभी भी चेंज करना पॉसिबल नहीं। मीन्स करेंटली इसमें वैल्यू क्या स्टोर है? ए बी सी। तो होल टाइम इसमें ऑलवेज क्या रहेगा? ए बी सी। मीन्स इस डेटा को कभी भी चेंज करना पॉसिबल नहीं। दिस इज द इम्यूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग क्लास। अगर आप किसी भी क्लास स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में चेंजेस करने के लिए ट्राई करोगे, देन एवरी टाइम चेंजेस के रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए क्रिएट क्या होगा? एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इस फर्स्ट टाइम मैंने एस में क्या असाइन कराया था? ए बी सी। अगर मैं इस प्लेस पर राइट डाउन करता हूं एस इक्वल्स टू एस डॉट कॉन्केट। कॉन्केट प्रीडिफाइंड मेथड है विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड स्ट्रिंग क्लास। प्लस मैंने इसमें अपेंड कराया, कॉन्केटिनेशन कराया समथिंग एक्स वाई जेड। प्लस एक्स वाई जेड कॉन्केट किसके साथ होगा? कंटेंट्स ऑफ एस। तो एस के अंदर ऑलरेडी कंटेंट्स क्या है? ए बी सी। प्लस ए बी सी के लास्ट में अपेंड क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। प्लस न्यू स्ट्रिंग क्रिएट होगा इस केस में ए बी सी एक्स वाई जेड। प्लस जब एक्स वाई जेड इस स्ट्रिंग में कॉन्किनेट होगा तो कॉन्किनेट होने के बाद जनरेट क्या हो रहा है? न्यू स्ट्रिंग। मीन्स इस न्यू रिजल्ट को स्टोर कर, मीन्स एक्स वाई जेड एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में अपेंड ना होगा, इस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्लियर? अगेन न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस कैसा हुआ? सम डिफरेंट एड्रेस, मे बी 100 200, इस अदर देन 100 एनी थिंग्स। सपोज इस केस में 200, देन अगेन ये कॉन्क्रीट मेथड क्या रिटर्न करेगा? 200। 200 किस में आसान हो जाएगा? एस में। तो प्रीवियस केस में एस में क्या था? 100। लेकिन करेंटली अभी एस में क्या आसान हो चुका है? 200। अब एस पॉइंट किसको करेगा? न्यू ऑब्जेक्ट। नाउ दिस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट बिकम्स एप्लीकेबल फॉर गार्बेज कलेक्शंस। क्लियर? मीन्स इस पर्टिकुलर केस में टोटल एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंज हुए, न्यू ऑब्जेक्ट में चेंज हुए। मीन्स न्यू ऑब्जेक्ट मीन्स जब भी आप स्ट्रिंग के साथ कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, इन ऑपरेशंस कभी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई न करके ऑपरेशंस को रिजल्ट्स को स्टोर कराने के लिए एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मीन्स इससे रिलेटेड मैं कई सारे प्रॉपर्टी जस्ट अभी डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास। फाइनली याद रखना स्ट्रिंग्स क्या है? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। वन मोर थिंग्स, लेफ्ट हैंड पार्ट से क्रिएट किया हुआ है रेफरेंस ऑफ स्ट्रिंग क्लास, राइट हैंड साइड से क्रिएट किया हुआ था ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। मीन्स स्ट्रिंग क्लास के रेफरेंस को चेंज करना पॉसिबल है। मीन्स फर्स्ट टाइम रेफरेंस में क्या स्टोर हुआ था? जस्ट 100। सेकेंड टाइम क्या स्टोर हुआ है? 200। मीन्स रेफरेंस कैसा है? म्यूटेबल और इम्यूटेबल। मीन्स रेफरेंस क्या है? वेरिएबल। और म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है? रेफरेंस वेरिएबल से रिलेटेड और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड।
रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, मीन रेफरेंस क्या चेंजेबल लेकिन ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसा है नॉट अ चेंजेबल और इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मीन्स एन ऑब्जेक्ट हुज स्टेट कैन नॉट बी चेंज्ड, नॉन एज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. फाइनली जावा के अंदर स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इन जावा. नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरव्यू. हाउ मैनी वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स इन जावा, जावा के अंदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के टोटल अप्रोच कितने. जावा के अंदर जब भी आप स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के टोटल टू अप्रोच अवेलेबल हैं, यूजिंग न्यू कीवर्ड और यूजिंग डबल कोट्स. क्लियर, हियर आर टू अप्रोच. मीन्स इस पर्टिकुलर सेशन से इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं एक और पॉइंट कंटिन्यू करना चाहूँगा. मीन सी लैंग्वेज में जब भी आप कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे के फॉर्म में क्रिएट करते हो लाइक दैट, अगर मैंने कोई स्ट्रिंग क्रिएट करा इन केस ऑफ सी और सी प्लस प्लस, मीन ये स्टेटमेंट सी और सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग वैलिड है लेकिन जावा के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट कैसा है, इनवैलिड. स्पेशली याद रखना जावा के अंदर इस टाइप का सिंटेक्स फॉलो करके कभी भी स्ट्रिंग्स को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, कैरेक्टर एरे के फॉर्म में स्ट्रिंग्स को असाइन करना पॉसिबल नहीं है. लेकिन सी और सी प्लस प्लस में जब इस टाइप का स्ट्रिंग क्रिएट होगा, स्ट्रिंग्स क्या है एरे ऑफ कैरेक्टर, तो सिंपली इसे स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए एरे क्रिएट होगा. लेकिन इसे एरे के अंदर टोटल बाइट्स कितने एलोकेट होते थे, मीन्स सी लैंग्वेज के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर वन बाइट ऑक्यूपाई करता है, टोटल बाइट्स कितने एलोकेट होंगे, वन बाइट फॉर ए, वन बाइट फॉर बी, वन बाइट फॉर सी. इसके जस्ट बाद स्ट्रिंग्स हमेशा टर्मिनेट किससे होते, नल कैरेक्टर, इसलिए एक और बाइट एक्स्ट्रा बाइट किसके लिए एलोकेट होगा, नल कैरेक्टर के लिए. जावा के अंदर स्ट्रिंग कभी भी नल कैरेक्टर से टर्मिनेट नहीं होते. प्लस इसके में फाइनली स्टोर क्या हो जाएगा, आस्की वैल्यू ऑफ ए इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सेम एज आस्की वैल्यू ऑफ बी, आस्की वैल्यू ऑफ सी, आस्की वैल्यू ऑफ नल. टोटल साइज क्या है इस केस में 4. लेकिन सेम एज अगर आप स्ट्रिंग जावा में इस टाइप से क्रिएट करते हो लाइक अ स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ए बी सी, दिस इज द सिंटेक्स फॉलोड बाई जावा. जावा के केस में इस केस में आपको कॉन्सेंट्रेट करना ओनली ऑब्जेक्ट नॉट अ रेफरेंस. इस केस में जब हीप मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स आने की 3. सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है 100, देन ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनली एक सिंगल बाइट को स्टोर करने के लिए, सॉरी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, ऑलरेडी डिस्कस किया था जावा के अंदर कैरेक्टर का साइज क्या है, 1 byte और 2 byte, 2 byte. तो एवरी और ईच कैरेक्टर कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेंगे, 2 bytes, 2 bytes फॉर ए, 2 bytes फॉर बी, 2 bytes फॉर सी. तो टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे इस केस में, 6 bytes. एज्यूम कर लो इस केस में टोटल 2 2 bytes के ब्लॉक्स क्रिएट हुए, मीन से सभी ब्लॉक का साइज क्या है 2 byte और वी कैन से 16 bit. प्लस इस केस में नल को स्टोर करने के लिए कोई प्लेस क्रिएट हुआ है क्या, नहीं. देन इस प्लेस पर स्टोर किया जाएगा यूनिकोड वैल्यू ऑफ ए, यूनिकोड वैल्यू ऑफ बी, यूनिकोड वैल्यू ऑफ सी. जावा के अंदर ऑब्जेक्ट्स कभी भी और स्ट्रिंग्स कभी भी नल से टर्मिनेट ना हो गए, सिंपली रिप्रेजेंट किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स. प्लस इस प्लेस पर न्यू कीवर्ड रिटर्न क्या करेगा, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस, जो कि आसान किस्म हो जाएगा, रेफरेंस वेरिएबल एस. एस अगर लोकल वेरिएबल है देन एस इटसेल्फ कहाँ क्रिएट होगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टैक मेमोरी. दिस इज द रिप्रेजेंट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग इन जावा. स्पेशली याद रखना जस्ट कंपेरिजन बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस एंड जावा. सी के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कराए थे जस्ट यूजिंग एरे, जावा के केस में स्ट्रिंग को किससे रिप्रेजेंट किया, जस्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास. सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग हमेशा टर्मिनेट किससे होता, नल से, लेकिन जावा के अंदर कहीं नल टर्मिनेट कर रहा है क्या इसको, नहीं. वन मोर थिंग्स इन केस ऑफ सी, सी के अंदर एक सिंगल बाइट सिंगल कैरेक्टर कितने बाइट ऑक्यूपाई कर रहा था, 1 byte. सेम है जावा के केस में 2 2 bytes इन द फॉर्म ऑफ यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन. वन मोर थिंग्स, सी लैंग्वेज के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को इंडेक्स का यूज करके मॉडिफाई करना पॉसिबल था. सपोज दैट अगर मैं आई के प्लेस पर पुट करता हूँ लाइक 1, देन ए ऑफ 1 के प्लेस पर बी अब रिप्लेस किससे हो जाएगा, एक्स से. मीन्स सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग्स कैसे हैं, चेंजेबल. लेकिन जावा के अंदर स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर पोजीशन में अवेलेबल कैरेक्टर्स को डायरेक्टली मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है. दूसरा केस, जावा के अंदर स्ट्रिंग्स को कभी भी इंडेक्स के थ्रू ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं हुआ लाइक दैट.
अगर सेम के साथ जावा में कंपेयर करो देने के इसके साथ इनवैलिड, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर पर्टिकुलर ए क्या है एरे, लेकिन जावा के केस में इस केस में एस क्या है एरे और रेफरेंस वैल्यू है। रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू के लिए कभी भी एरे डायमेंशन से अप्लाई करना पसंद नहीं, इसलिए सिंटेक्स कैसा है इनवैलिड। मीन जावा के अंदर स्ट्रिंग कभी भी इंडेक्स के थ्रू ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं। वन मोर थिंग्स, जावा के अंदर स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करना ही पॉसिबल नहीं, ऑलरेडी मैंने जस्ट डिस्कस किया था अभी। जब भी आप स्ट्रिंग्स में कोई भी चेंजेस परफॉर्म करोगे देन चेंजेस किस में होंगे, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट्स। मीन से चेंजेस परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जेवीएम एवरी टाइम न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगेन जस्ट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, हाउ मेनी वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स इन जावा। जावा के अंदर स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के टोटल टू अप्रोच अवेलेबल है, यूजिंग न्यू कीवर्ड और यूजिंग डबल कोट्स। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है जस्ट मैं डिस्कस करूंगा गिव इन एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व दिस केस, जस्ट मैंने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फर्स्ट केस में यूजिंग न्यू कीवर्ड। एस वन क्या इस केस में रेफरेंस वेरिएबल स्ट्रिंग, एंड मैंने कंटेंट्स असाइन किए ए बी सी। अगेन मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्ट्रिंग एस टू इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ए बी सी। मीन्स दोनों ही ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसा, सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट। स्टेट मीन्स वैल्यू ऑफ डेटा मेम्स और इन्फॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स फर्स्ट केस में इन्फॉर्मेशन क्या आसान किया ए बी सी, सेकेंड केस में भी क्या आसान किया ऑल्सो ए बी सी, थर्ड केस स्ट्रिंग एस थ्री इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। टोटल इस केस में स्ट्रिंग क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, थ्री ऑब्जेक्ट्स, लेकिन थर्ड ऑब्जेक्ट में मैंने असाइन कराया एक्स वाई जेड। मीन्स थर्ड और सेकेंड ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसा, सेम और डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट वन, सेकेंड अप्रोच क्या है स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, यूजिंग डबल कोट्स एज अ स्ट्रिंग लिटरल। सेम केस मैंने अगेन राइट किया स्ट्रिंग, याद रखने कंपेरिजन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है। मीन्स स्ट्रिंग्स को डायरेक्टली डबल कोट्स के थ्रू भी असाइन करना पॉसिबल, इट इज ऑल्सो वैलिड। इस अगेन मैंने एस वन क्रिएट किया जा रेफरेंस वेरिएबल प्लस इस केस में अगेन ए बी सी को स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर जेवीएम क्रिएट क्या करेगा, इन दैट केस ए बी सी क्रिएट किया, ए बी सी के रिस्पेक्ट में जेवीएम क्या क्रिएट करेगा सम ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। मीन दोनों ही केसेस में क्रिएट, इस केस में क्रिएट किया रहा स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट और इस पर्टिकुलर सिंटेक्स के थ्रू भी क्रिएट किया रहा ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। दोनों में मेन प्रैक्टिकल डिफरेंसेस क्या हैं जस्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगेन स्ट्रिंग एस टू, देन एस टू के अंदर मैंने अगेन असाइन कराया ए बी सी। क्लियर। देन अगेन मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में समथिंग रेफरेंस वेरिएबल एस थ्री इक्वल्स टू, लेकिन इस केस में असाइन किया करा सेम कंटेंट और डिफरेंट कंटेंट्स, डिफरेंट कंटेंट्स। दोनों ही केसेस को मैं वन बाई वन कंपेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट वन, सबसे पहले मैं इस डायग्राम क्रिएट करूँ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट केस, देन रिस्पेक्ट टू सेकेंड केस। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस पार्ट को स्किप मत करना, अदरवाइज आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल मैं सॉल्व कराऊंगा सभी एग्जाम्पल्स में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली डिस्कस करा इस केस में, नॉट द थ्योरेटिकली। फर्स्ट वन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में टोटल लोकल वेरिएबल्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, थ्री वेरिएबल्स एस वन एस टू एस थ्री। तो एस वन एस टू एस थ्री इटसेल्फ कहाँ क्रिएट होंगे, इनसाइड स्टैक एरिया। सपोज दैट ये कोड मेन मेथड के अंदर अवेलेबल है, देन एस वन एस टू क्या होंगे लोकल वेरिएबल्स, इसलिए क्रिएट क्या होंगे इनसाइड स्टैक एरिया। देन फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में जब एस वन में असाइनमेंट हुआ देन न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट किया रहा ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, लेकिन जब भी आप न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो देन इस केस में ऑब्जेक्ट किस प्लेस पर क्रिएट हुआ, इनसाइड हीप एरिया। क्लियर। इस पर्टिकुलर सेशन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ एज अ हीप एरिया। देन हीप एरिया के अंदर इसे ए बी सी कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए सिंपली क्रिएट किया हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है समथिंग 100 प्लस इस ऑब्जेक्ट में कंटेंट्स क्या असाइन हो रहे हैं ए बी सी। क्लियर। देन न्यू कीवर्ड के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा एड्रेस ऑफ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, अगर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 100 है देन इस प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा 100 और 100 कॉपी किस में हो जाएगा एस वन में। देन
करंटली इस केस में आपको कॉन्सेंट्रेट करना व्हाट इज द स्टेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, ए बी सी, क्लियर. देन नेक्स्ट टाइम अगेन न्यू कीवर्ड के थ्रू फिर से क्रिएट किया हो रहा है वन मोर जावा ऑब्जेक्ट प्लस न्यू कीवर्ड से क्रिएट हो रहा है, इसलिए क्रिएट कहां हुआ, इनसाइड हीप मेमोरी. देन हीप मेमोरी के अंदर देखा जाए इस ऑब्जेक्ट का अगेन स्टेट क्या है, ए बी सी. मीन्स प्रीवियस ऑब्जेक्ट से अगर इस ऑब्जेक्ट का स्टेट कंपेयर करोगे तो स्टेट कैसा, सेम और डिफरेंट, सेम स्टेट. अगर हीप मेमोरी में बात करें, हीप मेमोरी के अंदर सेम स्टेट वाला ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर भी लेकिन हीप मेमोरी के अंदर जब भी आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट कराओ, न्यू कीवर्ड के केस में कभी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट चेक नहीं होता. मीन्स न्यू कीवर्ड के केस में जेवीएम ऑलवेज डायरेक्टली क्रिएट क्या करेगा, न्यू वन ऑब्जेक्ट. तो फिर से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन इस न्यू ऑब्जेक्ट का भी अगेन स्टेट क्या है, सेम स्टेट ए बी सी. क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू सप्लाई क्या किया गया है इसमें, ए बी सी. अगर इसका एड्रेस 200 है, नेक्स्ट टाइम न्यू कीवर्ड रिटर्न क्या करेगा, 200, 200 कॉपी किसमें जाएगा, एस टू में. फाइनली इस केस में कॉन्सल्टेट करना है एस वन और एस टू दोनों ही रेफरेंस वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करें या सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करें, सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पॉइंट हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही ऑब्जेक्ट के स्टेट कैसे हैं, सेम स्टेट, क्लियर, ए बी सी, ए बी सी. अगर इस केस में मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक बार आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, देन इसका स्टेट कभी चेंज करना पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल. मीन्स इस केस में कभी भी स्टेट मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं. जब सेम स्टेट आपको रिक्वायर्ड है, सेम वैल्यू रिक्वायर्ड है, देन एवरी टाइम का सपोज स्टार्ट से आप 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, मेमोरी कितनी बार एलोकेट होगा, 100 टाइम सेम कंटेंट स्टोर है, डिफरेंट कंटेंट, सेम कंटेंट्स. देन इस केस में अगर कंटेंट्स मॉडिफाई होना पॉसिबल ही नहीं है, कंटेंट्स मॉडिफाई नहीं हो रहे हैं, सभी केस में सेम वैल्यू रिक्वायर्ड है, देन अननेसेसरी आपने एक्स्ट्रा टाइम कितना मेमोरी स्पेस एलोकेट करा है, 99 टाइम्स. मीन्स इस केस में मेन प्रॉब्लम क्या है, मेमोरी. मीन्स मेमोरी को इफिशियंट वे में यूज करना पॉसिबल नहीं. मीन्स वो कोड कैसा, रिडंडेंट. मीन्स कोड बार बार रिपीट हो रहा है या ऑब्जेक्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं विद सेम कंटेंट्स, क्लियर. लेकिन एस थ्री के केस में अगेन बात करें तो एस थ्री के अंदर फिर से मैंने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया, लेकिन इस न्यू ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसा, सेम और डिफरेंट, डिफरेंट स्टेट. इस बार आसान क्या कराया गया, एक्स वाई जेड एड्रेस समथिंग 300 प्लस 300 आसान किस में हो जाएगा, एस थ्री में. एस थ्री इस न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट करें. मीन्स फाइनली न्यू कीवर्ड्स के थ्रू जब भी आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो न्यू कीवर्ड पहले एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को सर्च करता है, एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, क्लियर. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू कीवर्ड. आपकी इंपॉर्टेंट केस क्या है, नेक्स्ट वन, क्लियर. जब भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से क्रिएट कराओ देन एवरी टाइम ऑब्जेक्ट किस प्लेस पर क्रिएट हो रहा है, इनसाइड हीप मेमोरी. मीन्स न्यू मेमोरी एलोकेशन एवरी टाइम परफॉर्म हो, चाहे स्टेट सेम हो या फिर डिफरेंट. लेकिन डबल कोट्स के थ्रू जब भी आप स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कराते हो, इस केस में ऑब्जेक्ट ही हीप मेमोरी में क्रिएट ना हो गए. इस केस में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए जेवीएम सेपरेट मेमोरी प्लेस मैनेज करता है, प्लस इस मेमोरी प्लेस का नेम क्या है, कॉल्ड एज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी. जिस टाइप से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को स्टोर करने के लिए क्रिएट किया होता है, हीप. स्टैटिक एलोकेशन को स्टोर कराने के लिए क्रिएट किया होता है, डेटा एरिया और डेटा सेगमेंट. लोकल वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए क्रिएट किया होता है स्टैक एरिया. सिमिलरली जब भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डबल कोट्स के थ्रू क्रिएट करा दो, इस पर्टिकुलर केस में जेवीएम स्पेशली सेपरेट लॉजिकल मेमोरी क्रिएट करता है. इस लॉजिकल मेमोरी का नेम क्या है, कॉल्ड एज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल क्या है, समथिंग कैसे मेमोरी विच इज क्रिएटेड बाई जेवीएम स्पेशली फॉर स्टोरिंग स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट विच इज क्रिएटेड बाई यूजिंग डबल कोट्स. जिस तरह से डायनेमिक एलोकेशन को स्टोर कराने के लिए जेवीएम या ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज क्या करा, हीप एरिया. सिमिलरली इन केस ऑफ डबल कोट्स, जब भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डबल कोट्स से क्रिएट करा हुए, देन ये ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में क्रिएट न होगी, जेवीएम स्पेशली न्यू मेमोरी क्रिएट कराएगा ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए, कॉल्ड एज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल. इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल एंड हीप, जस्ट वन बाय वन डिस्कस करूंगा. पहले इसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर दें. अगेन एस वन एस टू और एस थ्री की बात करें तो एस वन एस टू और एस थ्री क्या है, लोकल वेरिएबल्स. लोकल हैं तो एस वन एस टू एस थ्री इटसेल्फ कहां क्रिएट होंगे, इनसाइड स्टैक एरिया, क्लियर. देन फर्स्ट केस में जब ये एबीसी ऑब्जेक्ट आने को, एबीसी ऑब्जेक्ट क्रिएट किसके थ्रू हो रहा है, यूजिंग डबल कोट्स. तो डबल कोट्स के केस में
ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में क्रिएट ना होकर क्रिएट क्या हो इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। मैं शॉर्टकट फॉर्म यूज करूंगा जहाँ SCP इस क्रिएट क्या हो रहा है इनसाइड SCP मेमोरी। SCP मेमोरी को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस मेमोरी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ JVM। क्लियर। नेक्स्ट वन, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, न्यू कीवर्ड के थ्रू जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कराते हो एवरी टाइम न्यू मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म होता है, चाहे ऑब्जेक्ट का स्टेट सेम हो या डिफरेंट। लेकिन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल के अंदर जितने भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स मैनेज होंगे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे और सभी ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसा होगा, ऑलवेज यूनिक। मीन्स इस केस में कभी भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पॉसिबल नहीं। मीन्स फर्स्ट केस, जैसे ही इस केस में ऑब्जेक्ट ABC ऑब्जेक्ट क्रिएट कराओगे विद स्टेट ABC, तो इस केस में JVM डायरेक्टली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट न करके सबसे पहले चेक क्या करेगा, चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। इस न्यू कीवर्ड के केस में एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कभी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सर्च हुआ क्या, नहीं। जबकि डबल कोट्स के केस में JVM पहले एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सर्च करेगा फॉर गिवन स्टेट, अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड हो रहा देन ओनली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इस पर्टिकुलर केस में क्रिएट क्या हो रहा है, न्यू ऑब्जेक्ट मीन्स प्लस ए चेकिंग का होगा ओनली इन साइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल नॉट अ हीप। मीन्स इस पर्टिकुलर केस में हीप से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। इस केस में स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में कोई भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड हो रहा है विद कंटेंट्स ABC नहीं, मीन्स इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। देन इस केस में JVM क्रिएट क्या करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट। प्लस जब ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा देन इसका एड्रेस में एज्यूम करूँ समथिंग 300 और एनी एड्रेस। लेकिन इस ऑब्जेक्ट में स्टेट क्या साइन हो रहा है एज अ ABC। जब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा देन ये रिटर्न क्या करेगा, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस। मीन्स यहाँ डबल कोट्स के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस लाइक अ न्यू कीवर्ड प्लस ये 300 कॉपी किस में जाएगा, S1 में। देन S1 इस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, ऐसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। मीन्स जब ये ऑब्जेक्ट आपको एक्सेस करना है एक्सेस किसके थ्रू करेंगे, विद द हेल्प ऑफ S1। देन अगेन सेकेंड केस में अगेन मैंने फिर से क्रिएट क्या किया है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग डबल कोट्स। तो डबल कोट्स के केस में ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हुआ, हीप मेमोरी के अंदर और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में, इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी। लेकिन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी में कभी भी डायरेक्टली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, सबसे पहले सर्च क्या हुआ, JVM विल सर्चेज फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन कंटेंट फॉर गिवन स्टेट। स्टेट क्या, ABC स्टेट वाला ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड हो रहा है क्या, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है बिकॉज ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट। क्लियर। देन इज सेकेंड केस में न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट न करके JVM रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। फर्स्ट केस में न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था इसलिए रिटर्न क्या हुआ था, क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस। लेकिन इस केस में सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट कैसा है, एग्जिस्टिंग। तो अगेन इस केस में न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट न करके JVM रिटर्न क्या करेगा, रेफरेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। देन 300 अगेन कॉपी किस में हो जाएगा, S2 में। क्लियर। देन नेक्स्ट वन अगेन S3 के रिस्पेक्ट में अगेन ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किससे करा है, यूजिंग डबल कोट्स। तो डबल कोट्स के केस में ये ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा, इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में पहले JVM डायरेक्टली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सर्च क्या करेगा, एग्जिस्टिंग। कोई भी ऐसा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड हो रहा है जिसका स्टेट XY एड हो, नहीं। देन इस केस में अगेन क्रिएट क्या होगा, न्यू ऑब्जेक्ट। देन न्यू ऑब्जेक्ट में स्टेट क्या आसान हो जाएगा, ऐसा XYZ। और जब भी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसका एड्रेस भी कैसा होगा, सेम और डिफरेंट, सम डिफरेंट एड्रेस। अगर 400 न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ देन इस केस में रिटर्न क्या हुआ, एड्रेस ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। प्लस ये आसान किस में हो जाएगा, S3 में। फाइनली अब कंपेयर करेंगे इस केस में आ डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू, क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग डबल कोट्स, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग क्लास। फर्स्ट वन, न्यू कीवर्ड के केस में एवरी टाइम ऑब्जेक्ट किस प्लेस पर क्रिएट होगा, इनसाइड हीप एरिया। प्लस डबल कोट्स के केस में ऑब्जेक्ट किस प्लेस पर क्रिएट होगा, इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी विच इज क्रिएटेड बाई JVM। नेक्स्ट वन, हीप और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में मेन डिफरेंस क्या है, हीप मेमोरी के अंदर किसी भी जावा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पॉसिबल, नॉट ओनली स्ट्रिंग क्लास। लेकिन स्पेशली याद रखना, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी के अंदर ओनली स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे, न कि अदर क्लास। मीन्स किसी भी अदर जावा क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलवेज का मैनेज होगा इनसाइड हीप। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डबल कोट्स के थ्रू क्रिएट किया देन डबल कोट्स वाले स्ट्रिंग लेटर्स ओनली क्रिएट होंगे इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी। मीन्स स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी को मैनेज कौन करता है,
JVM, especially for storing string objects, which is created by using double quotes. Clear? Next one. हीप मेमोरी, अगर आपने कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इस केस में इन ऑब्जेक्ट का स्टेट सेम भी हो सकता है, मीन सेम इज आइडेंटिकल स्टेट भी पॉसिबल और यूनिक स्टेट भी पॉसिबल, लेकिन हीप मेमोरी सॉरी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी में स्ट्रिंग क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे सभी ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसा हुआ, आइडेंटिकल और यूनिक. यूनिक क्लियर, मीन्स कभी भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल नहीं होंगे. इसका इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंस क्या है इस कॉन्सेप्ट का, अरे द इंपोर्टेंस ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल. आपको ऑलरेडी पता है जावा के अंदर स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स. इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट मींस यू नो ऑब्जेक्ट का स्टेट मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है. सपोज दैट इस पर्टिकुलर केस में बात करें, एस वन और एस टू दोनों ही ऑब्जेक्ट, दोनों ही रेफरेंस वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर भी इस ऑब्जेक्ट का स्टेट ना ही एस वन के थ्रू चेंज करना पॉसिबल और ना ही एस टू के थ्रू चेंज करना पॉसिबल है. दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल. सपोज दैट अगर इस ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल ना हो, अगर ये म्यूटेबल होता, चेंजेबल होता, चेंजेबल के केस में अगर एस वन के थ्रू इसे स्ट्रिंग में कोई चेंजेस कर दो लाइक दैट, अगर मैंने इस प्लेस पर साइन किया स्मॉल ए यूजिंग एस वन, मीन्स लाइक दैट, मीन्स सम बिगिनिंग इंडेक्स एस वन डॉट इंडेक्स कंसिडर कर लो एज अ जीरो. अगर इसे इंडेक्स में, मीन्स जनरली स्टेटमेंट और सिंटेक्स इनवैलिड, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर जीरो इंडेक्स मैंने असाइन किया ए, अगर इस प्लेस पर ए असाइन होता है, मीन्स असाइनमेंट किसके थ्रू है, एस वन के थ्रू, लेकिन इनडायरेक्टली इसे रिफ्लेक्ट कौन हो रहा है, एस टू. क्लियर, इस केस में क्या है, डिपेंडेंसी. इसे मीन्स इन इस पर्टिकुलर केस में रेफरेंसेस को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स कैसे म्यूटेबल और इम्यूटेबल. इम्यूटेबल बिकॉज हो सकता है जावा के अंदर सेम ऑब्जेक्ट के कई सारे रेफरेंसेस हैं या मल्टीपल रेफरेंसेस पॉसिबल, तो मल्टीपल रेफरेंसेस के केसेस में कभी भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्रिएट होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कभी भी किसी भी रेफरेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट का स्टेट मॉडिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन इसका एडवांटेज क्या है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल का, अगर आप सेम ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में क्रिएट कर देना, हीप मेमोरी के अंदर सेम कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए एवरी टाइम न्यू मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हो रहा है. सपोज अगर इस टाइप से एबीसी को स्टोर करने के लिए टोटल 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, देन सेम मेमोरी एलोकेशन कितनी बार परफॉर्म हुआ, 100 टाइम. लेकिन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में 100 ऑब्जेक्ट अगर सेम स्टेट के लिए क्रिएट किया, देन एलोकेशन 100 टाइम परफॉर्म हो रहा, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम. दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, और यू कैन से दिस इज द एडवांटेज ऑफ इम्यूटेबल प्रॉपर्टी. स्ट्रिंग के केस में अगर स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाया, इसका मेन रीजन क्या है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल. इम्यूटेबल की वजह से मीन हो सकता है जावा के अंदर सेम ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रेफरेंसेज है, लेकिन मल्टीपल रेफरेंसेज के थ्रू, किसी भी रेफरेंस के थ्रू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना पॉसिबल हो रहा है क्या, नहीं. तो इसलिए कोड कैसा है, कोड इस पर्टिकुलर केस में कभी भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्रिएट होना पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट, दिस इज द ऑल अबाउट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल एंड हीप मेमोरी. नेक्स्ट सेशन में जस्ट मैं डिस्कस करूंगा अगेन एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल और हीप मेमोरी.